सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, हमारा जो चल रहा था फोटोशॉप ट्यूटोरियल, तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 6 में। तो दोस्तों, फोटोशॉप में हम जो है तमाम टूल्स के बारे में सीख रहे थे। जो इस बार जो हमारा टूल्स के बारे में सीखेंगे वो मैजिक टूल्स के बारे में सीखेंगे। जो मैजिक टूल को हम सिंपली बोलते हैं क्विक मैजिक टूल और मैजिक टूल, उनके बारे में हम सीखेंगे। क्या इनका वर्क होता है, क्या इनका वर्क कहाँ पर इनका काम में आते हैं, कहाँ पर ये जाकर फेल हो जाते हैं, और कहाँ पर इनको अच्छे से काम में लिया जाता है, किस जगह पर इनका वर्क किया जाता है, इसके बारे में इसमें बताऊंगा। दोस्तों, पहली बात आ जाती है, हमने जो टूल सीखे थे कि जो मूविंग टूल या फिर जो रेक्टेंगल टूल था या लासो टूल था, ये तीन टूल है जो हम सीख चुके हैं। और जो सिलेक्शन टूल है, जो रेक्टेंगल टूल और जो हमने लासो टूल सीखा था, वो सिलेक्शन टूल्स थे, सिलेक्शन करने के हमारे वर्क आ रहा। तो इस तरह से मैजिक टूल भी सिलेक्शन का ही है। मैजिक टूल कहाँ पर एक्चुअली काम आता है, जहां पर आपके बैकग्राउंड का जो कलर है वो सिंगल कलर हो। जैसे मैंने मेरे सामने एक इमेज जो आप देख रहे होंगे वो एक सिंगल कलर की है, तो वहां पर आपको मैजिक टूल बहुत ही बेस्ट रहेगा, अच्छे से आपका सिलेक्शन कर देगा। सिलेक्शन करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जहां पर आपको कलर वहां पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप देखेंगे क्लिक हो जाएगा। तो ये एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है वो मैं बताता हूँ। तो ये इस तरह से कलर को कवर करता है, जैसे इससे मिलता जुलता कलर है वो सिंगल कलर वो ले लेता है। यदि इसे मिलता जुलता कलर नहीं ले रहा है कि ये भी मिलता जुलता हुआ है और ये कलर नहीं ले पा रहा है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो टॉलरेंस दिख रही है उसको आप बढ़ा दीजिए, तो उससे मिलता जुलता कलर है वो भी ले लेगा। यदि आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन और आपके पीछे का बैकग्राउंड जो है थोड़ा ब्लैक है, कभी कभी क्या होता है कि ब्लैक या फिर जो हमारी स्किन है थोड़ा बहुत मिलने लग जाती है, तो उससे मिलता जुलता बैकग्राउंड हमारी स्किन को भी ले लेता है। तो यहाँ से आप यदि उसको कम कर देंगे तो वो टॉलरेंस को कम कर देंगे, तो आपको जो बैकग्राउंड है वो पूरा लेगा, सॉरी जो आपका कलर है बैकग्राउंड को वो आपकी स्किन को साथ में नहीं लेगा, सिर्फ वो कलर ही लेगा जो पीछे वाला कलर, वो मिलता जुलता कलर नहीं लेगा। यदि आप बढ़ा देंगे तो मिलता जुलता कलर भी ले लेगा। तो देखिए इस तरह से, पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। इस तरह से देखिए आ चुका है। सिंपली प्रॉपर्टीज जो मैंने रेक्टेंगल टूल्स में आपको अच्छे से समझाई थी, इनको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी है। इनके शॉर्टकट शिफ्ट और एल्ट है। यदि आप ऐड सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं, ऐड सिलेक्शन चाहते हैं, इसमें और सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं, देखिए ये वाला जो एरिया है वो रह गया है, तो आप ये भी जो है चाहते हैं कि उसको भी हम सिलेक्ट करें, तो उसके लिए सिंपली आपको जो इसमें एड सिलेक्शन वाले में क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर है, इस एड सिलेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको ऐड कर देना है, या फिर आप इस पर रहने दीजिए। और एड सिलेक्शन करने के लिए आप सिंपली शिफ्ट की का प्रेस कीजिए, शिफ्ट की प्रेस करते हुए रखिए, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए रखेंगे तो आप देखेंगे कि सॉरी शिफ्ट की तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो प्लस वाला चिन्ह है, जो कर्सर पर आप देखेंगे प्लस वाला चिन्ह आ चुका है, तो मतलब इसका मतलब है सिलेक्शन ऐड होगा। जो यहाँ व्हाइट वाला और रह गया है, इस पर सिलेक्शन पर ऐड कर दीजिए। इस तरह से देखिए इसका सिलेक्शन जो है ऐड हो चुका है। इस तरह से यदि आपका जो एक्स्ट्रा रह गया है या फिर सिलेक्शन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप उसे रिमूव कैसे करें, उसके लिए आप एल्ट की को प्रेस करते हुए रखिए, या फिर ये जो तीसरे नंबर की है सबस्क्रिप्ट जो कि मैंने रेक्टेंगल टूल्स में बताई थी, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे ये जो एड सिलेक्शन, इसके बाद में इसको से हम रिमूव कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे यहाँ पर, ताकि हमें बार बार से वहां पर जाना ना पड़े। और तो एल्ट को प्रेस करते हुए रखिए, जैसे आप एल्ट को प्रेस करते हुए देखिए माइनस का चिन्ह आ जाता है, मतलब आप इसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप एल्ट को छोड़ते हैं तो ये वापस उसी टूल्स पर आ जाता है जो पहले वाला सिलेक्टेड था। सिंपली आप एल्ट पर क्लिक कीजिए और इसे रिमूव कर दीजिए, देखिए रिमूव हो गया। और इसे मैं रिमूव करता हूँ तो ये फिर पूरा रिमूव हो जाएगा, ये देखिए पूरा रिमूव हो चुका है। अब सिंपली कुछ नहीं करना, इस तरह से इसका यूज जो है बैकग्राउंड कलर में आता था। तो अब समझ लेते हैं नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे सामने, इस टॉलरेंस के बारे में समझाने के लिए मैं आपको डिफरेंस इमेज पर लेकर जाता हूँ, दूसरी इमेज पर लेके जाता हूँ जिसका कलर थोड़ा सिंपल हो। तो आप ये कलर देखेंगे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से थोड़ा डार्क है और यहाँ से थोड़ा लाइट है, तो इस तरह के कलर पर जाके फेल मारने लगता है। जैसे मैं यहाँ पे टॉलरेंस कर देता हूँ इसकी 20 कर देता हूँ, मैंने 20 जब इस टॉलरेंस की, तो ये देखिए मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो क्या देखते हैं कि ये इधर वाला एरिया जो डार्क एरिया था वो तो कवर कर लेता है, लेकिन जो इधर वाला जो एरिया वो कवर नहीं कर रहा है, तो क्योंकि ये थोड़ा लाइट था इसे मिलता जुलता नहीं ले रहा। यदि आपको यह भी लेना है तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको बढ़ा देना है, 30 पर क्लिक कर देना। जैसे आप 30 पर क्लिक करेंगे तो, और यहाँ से अब आप सिलेक्शन करेंगे,
देखिए तो फिर से सिलेक्शन कीजिए। ये देखिए इस जो इससे मिलता जुलता कलर था इसका बैकग्राउंड का, ये भी मिलता जुलता है, लेकिन मिलता जुलता हुआ ही होना चाहिए, मल्टीपल कलर नहीं होना चाहिए, वरना ये जो है फेल मारने लगेगा। ये देखिए आप देखेंगे पीछे वाले बैकग्राउंड का, तो ये पिक्चर कटिंग करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। होती से जो यहाँ पर रह गया है इसको सिंपली आप शिफ्ट को प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए ये आ चुका है। और सिंपली यदि आप इसे डिलीट करके देखना चाहते हैं तो ये देखिए इसमें ये फील प्रोग्रेस बता रहा है। जैसे ये प्रोग्रेस हो जाती है आपको फील, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या चीज होती है फील वाला सिस्टम, अभी के लिए इसे कैंसिल कर दीजिए। तो ये जो होता है, ये जो आ गया है आपका बैकग्राउंड सिस्टम, कि आपको इसे कैसे सिलेक्शन करना है और कहाँ पर इसका जो मैजिक टूल का यूज होता है। देखिए डार्कनेस, अब यदि मैं बात करूं कि आप इसे बढ़ा देते हो, जैसे मैं इसको बढ़ा करके 80 कर देता हूँ, जैसे मैं 80 करता हूं, तो एक बार देखिए इसे डिसलेक्ट कर दीजिए और ये देखिए स्क्रीन भी साथ में आने लगी ना, क्योंकि हमने यहाँ पर टॉलरेंस एक्स्ट्रा किया था। जैसे इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, जैसे मैं 50 के वो कर लेता हूँ, 55 कर लेता हूँ, और जैसे 55 कर लेता हूँ इसको डिसलेक्ट कीजिए। और अब देखिए साथ में थोड़ी थोड़ी देखिए ये जो आपके लहंगे जो लहंगा है उसका कलर भी साथ में लेता जा रहा है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसका कलर, क्योंकि इसका कलर भी थोड़ा बहुत इसके साथ मैचिंग हो रहा है, और ज्यादा कर देते हैं स्क्रीन का भी थोड़ा बहुत मैचिंग होता है वो भी ले लेता है। इस तरह से टॉलरेंस का यूज था। अब नेक्स्ट इमेज पर जाकर समझते हैं इसके बारे में कि ये यहाँ पर कैसे फेल मारने लगता है। सिंपली मैंने 55 रखा है, जैसे आप ग्रीन है ये मल्टीपल कलर, तो देखिए अब इतना सारा जो जगह जगह से है बैकग्राउंड सिलेक्ट करने लगा, क्योंकि इसको ये मल्टीपल कलर मिले हुए हैं, एक कलर नहीं मिला। जैसे यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो कलर सेम था ना उसको इसने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये देखिए ये सेम कलर था उसको इसने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर अब आप कम भी कर लीजिए भले ही, ये देखिए मैं 20 कर लेता हूँ, तो ये छोटा छोटा जो है मेरोज देने लग जाएगा। ये देखिए छोटे छोटे देने लग जाएगा, लेकिन पूरी तरह से सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये मल्टीपल कलर पर वर्क नहीं करेगा, ये आपके सिंगल बैकग्राउंड कलर पर ही वर्क करेगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। अब दूसरी दोस्तों जो टूल्स था उसके बारे में हम सीख लेते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल, और ये तो मैजिक वार्ड टूल जिसे हम सिंपल मैजिक टूल ही बोलते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल्स का यूज जब हम देखते हैं तो सिंपली आपने कई जगह देखा होगा कि स्टूडियो आपके पिक्चर को थोड़ा गोरा करता है या फिर उसको साफ करता है, उसको थोड़ा क्लीन करता है, तो उस सभी में उनको सिलेक्शन की आवश्यकता होती है। सिलेक्शन की आवश्यकता होती है तो वो आपके चेहरे को सिलेक्ट करता है, ना कि आपके क्लोथ्स को सिलेक्ट करता है, क्योंकि जो इफेक्ट आप क्लोथ्स पर डालोगे तो उसके साथ साथ आपके चेहरे पर भी वो पड़ता जाएगा वो इफेक्ट, तो आपका चेहरा अच्छे से चमकेगा नहीं। फिर जो आपकी पिक्चर के साथ वो करना चाहता है, जिस पार्ट पर आपके पिक्चर के जिस पार्ट पर वो काम करना चाहता है वो अच्छे से होगा नहीं। जैसे देखिए अब इसको सिलेक्शन करना बहुत ही आसान है, ये देखिए इसका चेहरा जो है सिलेक्ट हो गया। यदि आप रह जाता है सिंपली क्या कुछ नहीं करना, इस तरह से इसको बढ़ाते हुए लेके जाना है। यदि हम देख पाते हैं कि यहाँ से आप देख रहे हैं ये बाल भी जो है सिलेक्टेड में आ चुके हैं, हमें सिर्फ चेहरे को लेना है, तो सिंपली कुछ करना नहीं करना, एल्ट को प्रेस करते हुए रखिए, और अब ये मिनिमाइज थोड़ा सा मिनिमाइज इसको कर दीजिए, मेरा मतलब है कि इसे थोड़ा रिमूव कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो चेहरा चेहरा है वो सिलेक्ट हो चुका है जिस पर आपको वर्क करना है। सिंपली इसी तरह से स्टूडियोज इस पर वर्क करते हैं, ये देखिए आप चाहे तो अभी सिर्फ थोड़ा सा प्लस भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से आपका जो चेहरा चेहरा है वो सिलेक्ट हो चुका है। और यदि आप जान चाहते हो कि यदि आपके जो क्लोथ्स बारीक क्लोथ्स है, ये तो थोड़े बड़े क्लोथ्स है तो सिंपली रिमूव हो गया, यदि आपके क्लोथ्स थोड़े बारीक है जैसे रिबन वगैरह हो गया, आप देखेंगे कि आपके सूट्स के रिबन हो जाते हैं या फिर हमारे जो और होते हैं क्लोथ्स उनके रिबन हो जाते हैं जो बहुत ही बारीक होती है, वो रिमूव नहीं हो पा रहे, तो सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो ब्रश का साइज है वो स्मॉल ले लीजिए आप। ये देखिए आप जैसे इस ब्रश का साइज स्मॉल लेंगे तो आपके सामने इस तरह से देखिए ये देखिए बारीकी से आप सिलेक्शन कर पाएंगे, जो सिलेक्शन को रिमूव करना है वो बारीकी से कर पाएंगे। जैसे एल्ट को प्रेस करके अब आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो बारीकी से रिमूव होगा, एक छोटे 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 तरीके से ये रिमूव होता चलेगा। अभी के लिए इसे मैं कंट्रोल एल्ट
जेड करके इस इलेक्शन को हटा देता हूँ। तो आज के वीडियो में हमने सीखा है मैजिक टूल्स के बारे में। लास्ट में एक छोटी सी बात आपको बताकर जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो फेदर के बारे में, हम क्रॉप टूल के बारे में बाद में सीखेंगे, नेक्स्ट हम फेदर। अब आप सोचेंगे क्रॉप टूल के बारे में क्यों, क्रॉप तो बहुत सिंपल है। ये सिंपल नहीं है, बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं जानते होंगे मेरे हिसाब से, तो आप उसको सीखेंगे, मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ आप कुछ नया जरूर सीखेंगे क्रॉप टूल में भी। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट में फेदर के बारे में बताऊंगा। तो एक्चुअली फेदर के बारे में क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि जो होम घर पर जो बच्चे वगैरह या फिर कोई और जो फोटोशॉप छोटा मोटा सीखा हुआ है या फिर और जो छोटे मोटे स्टूडियो है वो क्या करते हैं, पिक्चर को कटिंग करके उसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यार स्टूडियो का तो यार इतना अच्छा यार मिक्सिंग होता है, इस बैकग्राउंड के साथ हमारा मिक्सिंग नहीं होता, वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है फेदर की। जो आप फेदर को सीख लेंगे तो उसके बाद में आपका बैकग्राउंड जो अच्छे से मिक्स होगा, आपके जो बैकग्राउंड जो सॉरी आपकी जो तस्वीर हो बैकग्राउंड के साथ अच्छे से मिक्सिंग होगी। यदि आप फेदर पर काम नहीं करते हैं तो आपको कोई भी आपकी पिक्चर को देखकर बता देगा हाँ कि ये सिंपल ही कटिंग की हुई है, इसमें कोई वर्क नहीं किया हुआ, इसलिए तो वो जरूरी है। तो आप अच्छे से सिखाऊंगा कि फेदर जरूरी क्या है, क्या क्यों है और फेदर को कैसे यूज करते हैं और क्या बैकग्राउंड में उसका भाग है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखिए, यदि आपका कोई सुझाव है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर बताए है, क्योंकि आप ही लोगों के आशीर्वाद से ये चैनल चल रहा है। जैसे आप अपने सुझाव बताएंगे तो मैं उन पर अमल जरूर करूंगा और आप कहेंगे उसी तरह से मैं आपके हिसाब से वीडियो लेता रहूंगा, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है, हमारा नहीं, आपका अपना है, जो आप चाहोगे वो ही इस पर चलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 7 के लिए तैयार रहेगा फेदर सीखने के लिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।